वेलकम एवरीबॉडी एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व द फिजिक्स पार्ट ऑफ द नीट 2023 जो कल ही हुआ था एग्जाम हो गए। पेपर वॉज ईजी और जो पेपर था ये काफ़ी ईजी लेवल का था। फिजिक्स सेक्शन कुछ कह रहे थे कि केमिस्ट्री का थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है एंड बायो वॉज ईजी दैन द ईजियर दैन द लास्ट ईयर। ओके, और फिजिक्स की बात करें दैन इट इज़ ईजी ऑन द ईजियर साइड एंड वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड सारे क्वेश्चन थे। ओके, एंड उनको करने में बहुत कम टाइम भी लगता है। ओके, बिकॉज अगर तुम्हें स्टेटमेंट दी गई है ओके बेस्ड ऑन योर थ्योरी पार्ट, तो उसको सॉल्व करने में जस्ट हार्डली 10 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, वो भी क्वेश्चन पढ़ने में। ओके, सो दीज वर द मैनी क्वेश्चंस जो कि जस्ट बिना पेन उठाए तुम कर सकते थे क्वेश्चंस। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखो। फॉर अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस रिमेन कॉन्स्टेंट। देखो एंगुलर सेपरेशन वी नो इट इज कॉल्ड इट इज दिस लैम्डा बाय डी और कई बार साइन थीटा भी इसमें लिखते हैं। वैसे साइन थीटा जनरली होता है। इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल वी कैन ओनली राइट थीटा इज लैम्डा बाय डी एंड वी नो थीटा इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द कैपिटल डी दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड योर स्लिट। उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो ये तो उन्होंने कहा है कॉन्स्टेंट है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है सी। ठीक है, फर्स्ट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट एंड इफ द मोनोक्रोमैटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमैटिक सोर्स हैविंग द लार्जर वेवलेंथ, अगर उनकी क्या है लार्जर वेवलेंथ है, देन एंगुलर सेपरेशन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला शुड इंक्रीज, बट उन्होंने बताया यहाँ पर डिक्रीज, तो ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ये फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जस्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, इसको करने में यू कैन टेक हार्डली 30 सेकेंड्स। ओके, द रेशियो ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस बाय एन ओपन पाइप टू दैट ऑफ क्लोज पाइप, ये भी बहुत फॉरवर्ड बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, सो हाउ विल यू डू इट, सिंपली पुट अप द एंड राइट अप द फॉर्मूला। सो वॉट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज दिस, ओपन पाइप की फ्रिक्वेंसी ओवर क्लोज पाइप की फ्रिक्वेंसी इज नथिंग बट V/12 जो कि ओपन पाइप का होता है, वो भी उन्होंने बताया है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। ओके, सो वी विल राइट लाइक दिस। ओके, V से V कटा एंड यू विल गेट द आंसर एज 2:1 एंड दैट्स द आंसर 2:1। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, ऐसे बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को मिले हैं। ओके, नेक्स्ट ये वाला करते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज इज लैम्डा। देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब बनती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब बनती है इफ एनर्जी इज वेरी मच हाई बिकॉज वी नो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा। एंड एनर्जी कब हाई होगी, अगर n1 होगा 2 होगा डिपेंडिंग ऑन द सीरीज। यहाँ पर हमें सीरीज दी गई है बाल्मर सीरीज, दैट मीन्स n1 is 2 और n2 होगा इन्फिनिटी। ओके, और हमने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालने हैं इन द ब्रैकेट सीरीज। सो लाइमन बेलमर पैस्टन ब्रैकेट पीफंट है ना, तो जो चौथे नंबर पे आती है हमारी ब्रैकेट सीरीज। ओके, सो दैट्स वाई n1 should be 4 and n2 should be again infinity if we are talking about the shortest wavelength. Therefore, we will get here, we will use the formula of Rydberg formula. So I will write lambda prime which we are want to find in the bracket. Okay, so lambda prime by lambda is rz square, we know r will be cutting out. Okay, that they will be cut out. And z square which is 1 because we are talking about the hydrogen spectrum and therefore only we are left with 1/4 ka square over 1/2 ka square. Okay, so therefore I will get 1/16 into 4/1. Okay, toh ye kitna aa jayega,
आई विल गेट 1/4। देखते हैं यहाँ पर कुछ गलती मैंने कर दी है। ओके ओके ओके, यहाँ पर आना था 2 स्क्वायर ऊपर आना था और 4 स्क्वायर कुछ नीचे आना था। ओके ये 2 स्क्वायर ऊपर आएगा और 4 स्क्वायर नीचे आएगा, बिकॉज लैम्डा प्राइम ब्रैकेट सीरीज का है ना, तो ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके बिकॉज एक मिनट, फॉर्मूला इसका क्या होता है, जस्ट आई शुड क्लैरिफाई इट। द फॉर्मूला फॉर्मूला इज दिस, 1/λ आर जेड स्क्वेयर और 1n1 स्क्वेयर माइनस n2 स्क्वेयर। ओके सो दैट्स वाई वी विल राइट लैम्डा प्राइम एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n² माइनस 1/n² स्क्वेयर। सो वी शुड गेट द ऑपोजिट रेसिप्रोकल ऑफ इट, तो कितना आ जाएगा 4, एंड जस्ट मल्टीप्लाइंग विद दिस लैम्डा वी विल गेट 4λ। ओके तो ये क्वेश्चन करते समय ऐसा लगता है कोई भी प्रेशर नहीं है, बिकॉज दीज आर द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। ओके जस्ट थोड़ा सा हमने देखना था, ओके कि बस कैलकुलेशन देखनी थी बस। रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रेजिस्टेड डिटर्मिंड फ्रॉम कलर कोड्स। अब जे कलर कोड से भी आ गया तुम्हारा क्वेश्चन, जे काफ़ी जैसे जेई मेन्स में भी पिछली बार आया था आई थिंक कलर कोड्स पे, तो इस बार भी उन्होंने उसी पे डाल दिया। ओके एंड वी एंड यू नो द हाउ टू रिमेंबर द सीरीज लाइक बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ओके तो वो हमने उसी से कलर कोड याद रखने थे, एंड उन्होंने पूछा थर्ड बैंड कौन सा है। थर्ड बैंड जो थर्ड बैंड होता है ना, 4 बैंड्स होते हैं, तो थर्ड बैंड का कलर क्या होगा, तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बीबी रॉय, देखो बीबी रॉय। ओके इसमें 3 0 हैं, सो वी विल नंबर लाइक दिस 0 1 2 3 4, तो 0 3 0s हैं, दैट इज़ फॉर ओ, दैट मीन्स ऑरेंज, तो ऑरेंज इसका करेक्ट आंसर होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ओके ये सभी का ठीक होना ही चाहिए। ओके सेवन्थ क्वेश्चन, अ व्हीकल, ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड वी एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विद द स्पीड टू वी। तो इसका तुम अगर तुम्हें पता था शॉर्ट फॉर्मूला, इसका शॉर्ट फॉर्मूला था ये वाला सीधा डायरेक्ट। ओके तो इससे निकाल सकते थे, अगर नए भी याद था तो भी निकाल सकते थे यूजिंग द सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस स्पीड फॉर्मूला। ओके तो अल्टीमेटली तुम्हें यही फॉर्मूला तब भी मिल जाएगा, एंड यू विल गेट द एवरेज स्पीड। ओके तो इसको बस वैल्यू पुट करनी है, नथिंग मच मोर हियर, और 2v/v1+2v दैट इज 3v, एंड यू विल गेट 4/3v, सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो सीधा सीधा आंसर निकल रहे हैं, दिमाग पे बोझ भी नहीं है कोई, है ना, बर्डन भी नहीं है सॉल्व करते समय। तो पिछले ईयर से बहुत आसान पेपर है, वैसे तो बहुत आसान पेपर्स है, एंड ठीक है। वैसे अगर बायो की बात करें तो उसमें अगर तुम्हारे 360/360 आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा इस साल, क्योंकि पिछली बार भी 705 थे आई थिंक जो टॉपर के थे मार्क्स, तो इस बार भी क्योंकि स्टेटमेंट वाले में क्या होता है कई बार थोड़ा सा हम गलती हो सकती है। ठीक है अगर बायो में ठीक हो गया सभी का, तो केमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री थोड़ी सी डिफिकल्ट आई है, तो इस बार लगता है कि 720 ना हो, बट ओवरऑल पेपर इजी था, तो 716 मार्क्स आ सकते हैं टॉपर के, या 7, डिपेंडिंग ऑन द व्हाट इज़ द टॉपर मार्क्स, तो उससे भी कट ऑफ डिसाइड होती है। ओके तो कम ही रहे, यही रहे बस कि टॉपर के मार्क्स क्या रहे, कम ही रहे, सो दैट कि कट ऑफ थोड़ी सी डिक्रीज हो। हाई तो रहेगी तुम्हारी कट ऑफ, बट थोड़ी सी डिक्रीज हो। ठीक है ऑल डिपेंड्स ऑन द कि कट ऑफ सॉरी टॉपर के मार्क्स कितने आ रहे हैं। ओके तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, वी विल डील विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट रिमूव इट, आई विल जस्ट डू इट। ओके अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन है या थर्ड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन भाई साहब ये तो बोनस मार्क्स हैं, ये तो बोनस मार्क्स हैं, बिकॉज इसमें जो मूवमेंट ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा है हमसे फॉर द होलोस्फीयर एंड फॉर द किसका पूछा, और होलोस्फीयर और कौन है
और द सॉलिड स्फीयर, तो द रेशियो ऑफ द सॉलिड स्फीयर ऊपर है और जो हमारा हॉलो स्फीयर नीचे है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज सिंपली आई बाई एम, व्हाट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन विच इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय के, तो आर मैंने लिख दिया, तो ये है रेडियस ऑफ गायरेशन विच इज आई बाय एम, सो आई वन बाय आई टू आएगा, जहाँ आई एस बाय आई एच आएगा, ओके, एंड यू विल गेट 2/5, ओके, कितना आएगा, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सॉलिड स्फीयर इज 2/5, सो यू विल गेट 2, एंड नीचे हॉलो स्फीयर का जो रेडियस, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दैट इज 2/3, ओके, 2/5 इंटू 3/2, सो यू विल गेट √3/5, बिकॉज मास दोनों के सेम है, तो सारा डिपेंडेंस आती है तुम्हारे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे, सो दैट्स वाई यू विल गेट √3/5, बट यहाँ पर किसी के भी ऊपर रूट नहीं था, सो यू विल गेट श्योरली द बोनस मार्क्स, ओके, जिसने भी नहीं, जिसने अटैम्प्ट भी नहीं किया उसको भी मिल जाएंगे 2 मार्क्स, सॉरी 4 मार्क्स होता ना, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन, एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर सी ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो क्या क्या डिक्रीज होगा, क्या क्या कॉन्स्टेंट रहेगा, देखो पहले तो ऑप्शन है हमारी कैपेसिटिव रिएक्टेंस की, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज एक्स सी विच इज 1/ωc, अगर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा हम डिक्रीज करेंगे तो एक्स सी शुड इंक्रीज, एक्स सी शुड इंक्रीज, तो सेकेंड भी गलत क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा है डिक्रीज करेगा, फर्स्ट भी गलत बिकॉज यहाँ पर उन्होंने उन्होंने कहा है कोई चेंज नहीं आएगा, सो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 माइट बी करेक्ट, उसमें हमने चॉइस चूज करना है, ओके, तो इसको कैसे करेंगे, देखो आई सी इज वी कैन इज देखो जैसे आई सी इंक्रीज होगा तो आई डी भी इंक्रीज होगा, आई डी मीन्स डिस्प्लेसमेंट करंट, तो दोनों में यही रिलेशन हमने पढ़ा है, यही होता है कि अगर आई सी इंक्रीज करेगा तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी बढ़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड हैंस विद रिस्पेक्ट टू फ्रिक्वेंसी, देयर फोर आई डी विल ऑल्सो इंक्रीज, बट यहाँ पर डिक्रीज करना उन्होंने कहा डिक्रीज हमने कम की है फ्रीक्वेंसी, सो दैट्स वाई आई डी शुड ऑल्सो डिक्रीज, आई सी शुड ऑल्सो डिक्रीज, सो डिस्प्लेसमेंट करंट तो बढ़ेगा नहीं, सो इट विल डिक्रीज, ओके, इट विल डिक्रीज, ठीक है, तो ये है हमारे क्वेश्चंस, बहुत ये भी आसान था क्वेश्चन, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती थी बट इतनी भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, ओके, ये वाला करते हैं अब 8th क्वेश्चन। नाउ 8th क्वेश्चन में क्या है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू, इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर, द अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो यू विल गेट यू फाइनल बाय यू इनिशियल विच इज आई थिंक यू फाइनल तो निकालनी है, एंड यू इनिशियल इज गिवन एज यू, एंड यू नो वॉट इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, इट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग सेम है तो के सेम रहेगा, हाफ हाफ वैसे भी काटा जाएगा, यू विल लेफ्ट विद एक्स स्क्वेयर, तो एक्स क्या होता है चेंज इन, या कितनी स्ट्रेच हुई है हमारी स्प्रिंग, तो क्या करेंगे उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 64, बिकॉज 8 का स्क्वायर नीचे 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4, दैट मीन्स 16, सो 16 यू इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, देखो कितना टाइम लगा, कुछ भी टाइम नहीं लगा, ओके, नाइन्थ, अ बुलेट इज फायर फ्रॉम अ गन एट अ स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री, ये तो बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, दैट इज एच इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g, बस वही है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, फॉर्मूले अच्छी तरह से लिखने हैं, ठीक है, तो ये तो आसान होगा, सो आई विल नॉट सॉल्व इट बिकॉज इट इज स्टिल इजी क्वेश्चन, ओके, लेट्स मूव ऑन टू अदर डिफिकल्ट क्वेश्चन, जैसे करता हूँ कि थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन ही लेता हूँ, ओके, बाकी जस्ट मैं ऑप्शन बता देता हूँ व्हाट आर द ऑप्शंस, ओके, वो ऑप्शन हम बता देते हैं, ओके, तो इसको चलो रब करते हैं पहले, तो एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर ऑल्सो फॉर द नीट एग्जाम देन यू कैन ऑल्सो गो एट द डिस्क्रिप्शन वे आई हैव गिवन द लिंक फॉर द टेलीग्राम, और वहाँ पर तुम एम सी क्यूज में डालूंगा
नोट्स वगैरह डालूँगा, तो वो तुमसे एमसीक्यूज़ तुम सॉल्व करना। एंड आई विल जस्ट मेक श्योर दैट कि पहले तुम जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, वो पहले ट्राई करना। एंड ऑल्सो नोट्स पढ़ोगे पहले, फिर ही करोगे ना एमसीक्यूज़, तो टेलीग्राम पर क्लिक करना एंड यू विल ज्वाइन द ग्रुप। ओके, चलो ज्वाइन करके नोट्स वगैरह मैंने ऑलरेडी डाले हैं, जाए लाइक काइनामेटिक्स वैक्टर्स के रहते हैं, वैक्टर्स के मैं डाल दूंगा। ओके, एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। ओके, क्या हो गया, इसको? ओके, तो देखो अब 10th क्वेश्चन देखो। 10th क्वेश्चन क्या है कि हाफ लाइफ, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 20 मिनट्स उसकी हाफ लाइफ है, टी हाफ इज 20 मिनट्स। तो इसका हमने निकालना है कि 1/16 उसका कब होगा। नीचे फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लाइक दिस एन एक्टिविटी का फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू ए नॉट 1/2 टी बाय द टी हाफ, एंड यू विल गेट द आंसर। लाइक ए बाई ए नॉट वी नो इट्स इट वी कैन राइट एन बाय एन नॉट। तो सीधा सा क्वेश्चन है कि यहाँ पर लिख देंगे 1/16 और यहाँ पर लिख देंगे 1/2, ऊपर लिख देंगे टी और नीचे लिख देंगे 20। ये इसका उसको लिख सकते हैं 1/2 का पावर 4 एंड यहाँ पर भी टी बाय 20 एंड वी विल गेट टी एज 80 मिनट्स। सो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तो ऐसे आते ही हैं हर साल ऑन द रेडियो एक्टिविटी, ऐसा क्वेश्चन तो आता ही है। ओके, 16th क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। पहला मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हमने फाइंड किया बिकॉज इसमें थोड़ा सा डायरेक्शन का पंगा पड़ता है बस। देखो, पहले फुटबॉलर साउथवर्ड जा रहा था, ऐसे नीचे साउथवर्ड, एंड सडनली ही विल चेंज हिज डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्टवर्ड। ओके, एंड वी वॉन्ट टू नो वॉट इज द फोर्स। अच्छा, जहाँ पर फोर्स कैसे आएगी, वी नो फोर्स इज एम ए, तो जिधर एक्सलरेशन होगा उधर ही फोर्स आएगी। ओके, देयर फोर वी वॉन्ट टू नो वॉट इज द एक्सलरेशन, एंड वॉट इज द एक्सलरेशन वी नो इट इज़ द चेंज इन विलॉसिटी। और चेंज इन विलॉसिटी कितनी होती है, यहाँ पर अगर डायग्राम से डायरेक्शन हमने कैलकुलेट करनी है, डायरेक्शन ही देखनी है बस, तो डायरेक्शन ईस्टवर्ड वी होगी, और क्योंकि चेंज हो रहा है सो वी विल गेट वी माइनस ऑफ v2 - v1। v2 मीन्स फाइनल जो ईस्टवर्ड है वेलोसिटी, और v1 जो साउथवर्ड वेलोसिटी है। तो क्योंकि जो चेंज होगा दैट विल बी लाइक दिस, दिस इज अ डेल्टा v, क्योंकि इसकी इस v1 की पीछे इसके लगा है माइनस, तो इसकी हम डायरेक्शन भी चेंज करेंगे, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ऊपर की ओर, एंड हैंस रिजल्टेंट विल एक्ट अलॉन्ग दिस। सो दिस डायरेक्शन इज नथिंग बट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, सो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो सीधा ठीक है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हो सकता है बिकॉज इसमें थोड़ी सी गलती हो सकती है रिलेटेड टू द डायरेक्शंस। ओके, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सर्फिस जस्ट अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, इट इज वी शुड नो वी मस्ट नो इट इज़ जीरो। ओके, बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बाय द गॉस लॉ इज ऑलवेज जीरो, मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, 12th क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, तो इसका थोड़ा सा शौक भी नहीं है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एरर से आ सकते थे, तो उन्होंने ऐसे एरर से डाल दिया क्वेश्चन, तो बट इसको थोड़ा सा वो डिफिकल्ट भी बना सकते थे इस क्वेश्चन को, बिकॉज इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, एंड बट ओवरऑल आई थिंक दिस इज अ इजी क्वेश्चन। ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन थी तो इसको भी तुम डाल सकते हो इन द मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, जस्ट बिकॉज इसमें कैलकुलेशन होगी। ओके, तो क्या करेंगे, देखो, डेंसिटी वी नो इट इज मास बाय वॉल्यूम, एंड जो वॉल्यूम ऑफ वायर होती है दैट इज सिलेंड्रिकल, एंड वी नो इट इज पाई आर स्क्वायर टाइम्स एल। तो जो भी एरर होगा वो सभी का प्लस होगा, एंड देयर फोर मास में जो एरर हो सकता है दैट इज़ इन द परसेंटेज एरर, दैट मीन्स इट मस्ट बी 0.02 आउट ऑफ 0.4 मास मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर प्लस
क्योंकि आर के स्क्वायर है, सो वी विल मल्टीप्लाई इट विद 2, एंड देन आर की आर में जो एरर है, रेडियस में जो एरर है, दैट इज 0.001, और ओवर टोटल जो रेडियस उसका इनटू 100 प्लस एल मीन्स 1 टाइम्स इनटू 0.02 नीचे 5 आएगा इनटू 100 एंड यू विल गेट द आंसर. क्या आता है देखते हैं. तो 0.02 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 0.2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 0.2 एंड यू विल गेट 0.2 बाय 0.4, दैट इज 2 बाय 4, दैट इज 0.5. ओके, बस कैलकुलेशन अच्छे होने चाहिए इस क्वेश्चन के लिए बस. ओके, अगेन 0.001 इनटू 100 वी विल गेट 0.1 एंड 0.1 बाय 0.3 इट इज स्टिल 1/3. नाउ 1/3 इज 0.6, 0.6 इन 0.67 एंड 0.67 इनटू 2 वी विल गेट. ओके, प्लस 0.02 एंड दिस इज 2/5 व्हिच इज 0.4, सो यू विल गेट 0.9 इनटू 1.2714 कितना आ गया, टू यहाँ पर 5 आना चाहिए और यहाँ पर 2714, सो 4, सो यू विल गेट 4.61. तो इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे यू विल गेट 1.6%. सो आई थिंक 4th इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, 4th इज द करेक्ट ऑप्शन. सिंपल क्वेश्चन अगेन. ठीक है, द एंगुलर एक्सलरेशन, और मैंने ये कहा भी था पहले कि एरर से क्वेश्चन कर लेना. एरर से वैसे दो क्वेश्चन आए हैं, एक तो सिंपल थ्योरेटिकल है एंड दूसरा ये न्यूमेरिकल पार्ट है. ओके, 13 क्वेश्चन इज स्टिल अगेन इजी, बिना इसमें कोई हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है, बिकॉज इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा 1 अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो एंगुलर एक्सलरेशन होगा. ओके, द वर्क फंक्शन ऑफ द सीजियम पोटेशियम एंड सोडियम आर गिवन एज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज एन इंसिडेंट एनर्जी ऑफ 2.20, विच वन ऑफ दिस फॉलोइंग फोटो सेंसिटिव सर्फेसिस मे एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स. तो वैसे अगर तुम इसके कैलकुलेशन में भी मत देखो तो तुम्हें पता लग, अगर तुमने केमिस्ट्री पढ़ी है फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री पढ़ी है तो तुम्हें पता है कि सीजियम ही ऐसा मेटल है जिससे हमारा क्या निकल सकता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि सीजियम इज अ मेटल इन विच द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सीजियम में ही होता है. तो इसके अगर तुम वैल्यू भी देखोगे, इंसिडेंट रे है 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, दैट मीन्स वर्क फंक्शन इससे कम होना चाहिए, तो वो मेटल तभी एमिट करेगा. तो वही एक ही ऑप्शन है, दैट इज सीजियम हैविंग द दिस 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो कम है तो इसमें, और इंसिडेंट रे ज़्यादा है एनर्जी, तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा. सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो अगेन वी विल रिप दिस क्वेश्चन. एक मैं वो वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, दैट इज एक था हमारा सर्किट डायग्राम वाला था कोई क्वेश्चन, वो मैं क्वेश्चन एक ले लेता हूँ एंड वी विल सॉल्व इट. एंड बाकी क्वेश्चंस मैं जस्ट इसका ना PDF बना के तुम्हें टेलीग्राम में भेज दूँगा एंड यू विल सी द सॉल्यूशंस देयर. ओके, और या आंसर कीज. ठीक है, वैसे कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने निकाली होगी आंसर कीज एंड सॉल्यूशंस, तो कोई इसकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज इजी तो पेपर है इसमें. ठीक है, तो इसमें जो इजी, ये देखो बहुत आसान क्वेश्चन डाले इस बार. तो ये E.ES 0 कब होता है, बिकॉज नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटर इनटू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस लीविंग द सर्फेस, सो सेकेंड इज करेक्ट. इसमें तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये देखो मैग्नेटिक एनर्जी क्या होते हैं, वी नो इट इज़ हाफ एल आई स्क्वायर. इसमें हाफ इंटू एल कितना है, 4 है, आई इज 4, तो ये कितना आंसर मिल जाता है, 8 वाला. ठीक है, इसमें बस देखना है कि माइक्रो जूल में है या मिली जूल में. ठीक है, एंड यू विल गेट द आंसर. सिंपल क्वेश्चन है, नथिंग ग्रेट. ओके, तो नीचे पीएन जंक्शन है, उसमें कैपेसिटर तुम्हारा आंसर है. देखो बिना पढ़े
जी मैंने वैसे पहले तो पढ़े हैं, बट दीज आर स्टिल इजी क्वेश्चंस। ओके, वो बस सर्किट डायग्राम वाला एक क्वेश्चन था। हाँ, ये वाला, एक ये वाला था, एक और था। तो इसमें क्या था, देखो इसमें अगर हमने किरचॉफ लॉ लगाना है बस। ओके, वैसे ये किरचॉफ लॉ अगर तुम नहीं भी लगाते तब भी ये तुम कर सकते थे आंसर क्वेश्चन, बिकॉज देखो करंट कहाँ से शुरू होगा, आइदर फ्रॉम द 10 वोल्ट बैटरी, ओके, आइदर फ्रॉम द 5 वोल्ट बैटरी, बिकॉज 10 वोल्ट बैटरी इज एट हायर पोटेंशियल, सो करंट विल मूव लाइक दिस फ्रॉम ए टू बी, और ऑप्शन में भी ए टू बी है, और आंसर बस निकालना है। ओके, सो आंसर क्या आएगा, देखो नेट वोल्टेज इज 5, सो 5 वोल्ट आएगी, एंड द नेट रेजिस्टेंस इन द ओवरऑल सर्किट इज 10 ओमेगा इंटू आई, सो आई इज 0.5 एम्पियर। ओके, ये तो मैंने सीधा कर दिया, तुम ये भी यूज़ कर सकते थे किरचॉफ लॉ, उससे क्या होगा दैट वी विल गेट लाइक 5 -5 -i -7i -2i +10 इज इक्वल टू 0, 0। इससे भी तुम्हारा सेम आंसर आ सकता था, एंड अगेन सी इजी क्वेश्चन, सो 0.5 एम्पियर वाला आंसर ठीक है। ओके, सो दिस इज अगेन एक और जो हम करते हैं, इससे एक और क्वेश्चन करते हैं, एंड देन इसके बाद हम वीडियो बंद कर देते हैं। ओके, बिकॉज 3-4 ही हैं जो मॉडरेट लेवल के हैं, डिफिकल्ट एक भी क्वेश्चन नहीं इसमें पूरे पेपर में, फिजिक्स के एक भी डिफिकल्ट क्वेश्चन एक भी नहीं है। ओके, पहले होता था नीट पेपर डिसाइड ही होता था फिजिक्स से, अब फिजिक्स ने से नहीं डिसाइड होगा, इस बार केमिस्ट्री से डिसाइड होगा, जिसकी केमिस्ट्री आसान थी, जिसने अच्छी तरह से की थी, ही विल गेट द मार्क्स। ओके, ये कैपेसिटर वाला भी आसान था, बहुत इजी क्वेश्चन था अगेन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन वी विल डू, 33rd क्वेश्चन, 33rd क्वेश्चन वी विल डू। तो 33rd में क्या था कि थोड़ा सा ट्रिकी कह सकता हूँ इसको मैं, बट स्टिल मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। देखो इसमें क्या था, गैल्वेनोमीटर में करंट हमने भेजना नहीं है, अगर करंट भेजना नहीं है तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, किस वाली लूप में, इस वाली लूप में कोई भी करंट नहीं जाएगा, अगर करंट नहीं जाएगा तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, 2 वोल्ट का। ओके, 2 वोल्ट का होगा, और यू विल गेट द आंसर लाइक, जा इसको ऐसे कर दो, मैं तो ऐसे करूँगा कि इसमें किरचॉफ लॉ लगा दूंगा, किरचॉफ लूप। ओके, तो किरचॉफ लूप से हम निकाल सकते हैं इसको, तो 10 -i × 400, पहले ये सारी बड़ी सी लूप में निकाल दो। ओके, -i × 400 -2 वोल्ट एंड इज इक्वल टू 0, सो आई हमें मिल जाएगा दैट विल बी 8/400, दिस इज द करंट, करंट मिल गया। तो अब ये छोटे वाले सर्किट में लगा दो अगेन, क्या किरचॉफ लूप, सो 10 = 400 +r × योर करंट, सो इट इज 8/400, सो यू विल गेट 4000 = 3200 +8r, सो यू विल गेट 800, एंड यू विल गेट r एज 100 ओमेगा, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन इजी क्वेश्चन था, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है और ये भी थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इसमें क्या था, साइन थीटा, ये वाला, लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एक्स इन टाइम t1 इन एयर एंड 10x इन टाइम t2 इन अनदर डेंसर मीडियम, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम। तो क्रिटिकल एंगल वी नो इट इज जो रेयर मीडियम है उसको हम ऊपर रखते हैं म्यू आर, और जो डेंसर मीडियम है उसका म्यू हम नीचे रखते हैं। ओके, बट वी नो इसमें क्योंकि हमसे पूछा नहीं है इन द टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, बट इन द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, सो वी नो दैट म्यू आर, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। सो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इट विल बी वी इन द डेंसर मीडियम बाय वी इन द रेयर मीडियम। ओके, सो वी इन द डेंसर मीडियम वी कैन कैलकुलेट, दिस इज 10x/t2, और उसका आ जाएगा t1/x, एक्स एक्स कटा, यू विल गेट 10 t1/t2। बस ये इसमें आई थिंक बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भी हो सकता था। ओके, इफ़ यू डिडन्ट नो द व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द क्रिटिकल एंगल। ओके,
अदरवाइज अगेन मॉडरेट लेवल क्वेश्चन. 29th अगेन इजी, मैंने पहले भी ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल है जो तुम देख सकते हो इन द डिस्क्रिप्शन, उसमें मैंने वीडियो जो है इस पर ही डाली है एंड ऑन द ग्रेविटेशन पोटेंशियल, एंड उसमें मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है. ठीक है, सेम ही है बट वही है, बस स्टेटमेंट उन्होंने बदली है कि. ठीक है, तो ये वहाँ से तुम देख सकते हो. एंड अगेन एरर से अगेन क्वेश्चन है, सो ये तो रैंडम एरर्स है. अगर नहीं भी पता था यू कैन गैस, यू कैन टेक गैस हेयर बिकॉज सिंपल है क्वेश्चन. ठीक है, देखने से पता लगता है. तो बाकी जो सेक्शन बी है उसमें डिफिकल्ट मॉडरेट लेवल क्वेश्चन भी हैं, बट उसमें अगेन ऑप्शन है, 5 क्वेश्चन की चॉइस होती है, तो यू कैन अवॉइड दोज क्वेश्चन, यू कुड अवॉइड दोज क्वेश्चन. तो बाकी ईजी इजी क्वेश्चन रह जाते हैं उसमें भी. 36 इज इजी इजी, 37 थोड़ा सा उसके डायरेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, सो यू कुड लीव दैट. ओके, 40 भी आसान है, कई बार एग्जाम में आया है और ये भी मैंने करवाया था पहला क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल पे, एंड इसके भी वीडियो मैं डाल दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन वॉच दैट. ओके, और बाकी इजी था. सैटेलाइट वाला एक कर लेते हैं, सैटेलाइट वाला वो भी इजी क्वेश्चन है, बट जस्ट उसको भी हम उसके ऊपर नज़र डाल देते हैं और उसको भी सॉल्व कर देते हैं. ओके, सो हाउ कैन वी डू दैट क्वेश्चन. तो आसान था पेपर, देखने से पता लग रहा है, एंड नथिंग टू से मोर ऑन दिस. ओके, तो बाकी ये देखो सैटेलाइट वाला, सैटेलाइट में टाइम पीरियड पूछा है. देखो इसमें भी दो चीज़ें हो सकती हैं, इफ़ यू डिडंट नो द फॉर्मूला यू कैन ऑल्सो डू लाइक दिस मेथड. लाइक टाइम इज सिंपल, व्हाट इज टाइम, टाइम पीरियड इज 2πr/v, सिंपल, दिस इज 2πr/v एंड हेयर वी विल टेक द ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट. ओके, सो वी विल गेट 2πr/√gm/r. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 3/2 आ जाएगा ना, बिकॉज रूट आर और आर प्लस हो जाएंगे तो पावर 3/2. तो ओवरऑल ये है टाइम पीरियड. ओके, और इसके आगे उन्होंने बस एक की थोड़ा सा चेंज किया है कि इसमें डेंसिटी दी है, सो वी नो व्हाट इज मास. मास इज इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी वी कैन राइट जी इनटू मास ऑफ द अर्थ विच इज 4/3πr³ एंड स्मॉल आर क्यूब यू कैन टेक हेयर एंड व्हाट इज डी, डी हेयर और टी है. अब बोथ साइड्स स्क्वेयर कर दो, यू विल गेट 2² 4π² r³ / g 4/3πr³ d. यहाँ से 4 से 4 कट, पाई से पाई स्क्वेयर कट, यू विल गेट टी स्क्वेयर इज 3π, आर से आर कट, यू विल गेट 3π/gd. डिट्टो यहाँ पर उन्होंने यही पूछा 3π/gd कितना है, तो ये तो टी स्क्वेयर के प्रोपोर्शनल आया है. ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी 3 का t² इज द करेक्ट ऑप्शन. सो आई होप कि तुम्हें समझ लग गई हो ये हमने करने क्या कैसे हैं, ये सारे सिंपल क्वेश्चन थे. एंड थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच.